दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट में एक बार फिर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डीटीयू लेटरल एंट्री एग्जाम, जिसे हम दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी लेटरल एंट्री एग्जाम भी कहते हैं। ये एग्जाम किन स्टूडेंट्स के लिए होता है? देखिए, जो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं वो अगर बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी लेटरल एंट्री एग्जाम्स देंगे। अगर वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो उस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं प्रीवियस वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने आईपी यूनिवर्सिटी लेटरल एंट्री एग्जाम्स के बारे में देखा था। उसमें हम लोगों ने देखा सिलेबस क्या होगा, एग्जाम्स कब होंगे, हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, कोचिंग लेना नेसेसरी है या नहीं, या हम घर पे बैठकर भी तैयारी कर सकते हैं या नहीं। तो ये सारी बातें हमने उस वीडियो में क्लियर कर ली थी। उसके अलावा भी कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्हें कंफ्यूजन था, तो उन्होंने कमेंट किया। उन सभी कमेंट्स के मैं इस वीडियो के अंदर आंसर्स दे दूंगा। सबसे पहले हम डीटीयू लेटरल एंट्री एग्जाम्स के बारे में देखते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेपर कब होगा, उसके अलावा पेपर का प्रोसीजर क्या होता है, सिलेबस क्या होगा, कौन से ऐसे ब्रांच है जिसमें हमें एडमिशन मिलेंगे, फीस क्या होगी, ये सारी बातें इस वीडियो में हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पिछले साल यानी 2018 में जो लेटरल एंट्री एग्जाम्स डीटीयू ने कंडक्ट करवाया था वो जुलाई में कंडक्ट करवाया था। तो इस साल भी आई थिंक जुलाई में होगा, क्योंकि अभी तक उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ। जैसे ही वो नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे मैं या तो वीडियो या तो कम्युनिटी टैब में अपनी पोस्ट डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। वो आप तभी देखेंगे जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा एग्जाम होगा वो जुलाई फर्स्ट वीक में होगा। जो एग्जाम पेपर होगा उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगा, यानी अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क्स आपके कट जाएंगे। 2 घंटे का पेपर होगा। उसके अलावा सिलेबस, सबसे पहले देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, यही 3 हमारे पास सब्जेक्ट हैं, इन्हीं में से हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। ना ही को हमारे पास कोई रीजनिंग है जैसे आईपी यूनिवर्सिटी में था, ना ही हमारे पास कोई कंप्यूटर अवेयरनेस वगैरह सब्जेक्ट है जिसमें से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो देखिए ये फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स हैं, ये केमिस्ट्री के और ये मैथ के। ये सभी जो चैप्टर्स हैं ये मैं अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। इसके अलावा सबसे पहले चैप्टर ओवरव्यू देखिए, यूनिट एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, फोर्स, वर्क। देखिए यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से मैंने इन्हें एक साथ लिख दिया, अदरवाइज ये सेपरेट सेपरेट चैप्टर है। अब एनर्जी एंड पावर, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में मैंने नंबर मेंशन नहीं कर रखा है, इस वजह से क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स आपने डिप्लोमा में अलग सब्जेक्ट लेकर के पढ़ा था, बट 11th 12th में ये फिजिक्स में इंक्लूड होता है, इस वजह से मैंने यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स ग्रीन मार्कर से लिख दिया है। अब देखिए मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क, मोडुलस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, वेव एंड ऑसिलेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सभी चैप्टर फिजिक्स के। इसके अलावा केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ मैटर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन, सॉलिड, सॉल्यूशन, स्टेट, ये सभी सेपरेट सेपरेट चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ पे फोकस हो रहा होगा, तो मैं प्रोनाउंस कर देता हूँ, केमिकल काइनेटिक्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड स्ट्रक्चर, पॉलीमर्स। अब देखिए मैथ के चैप्टर्स, नंबर थ्योरी, सेट्स एंड फंक्शन, बेसिक ऑफ अलजेब्रा, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, ये सभी चैप्टर मैथ के तो आपने डिप्लोमा में पढ़ ही रखा होगा। इसके अलावा केमिस्ट्री और फिजिक्स में ऐसे चैप्टर है जो आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोगों को ये सारी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होगा, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर चैनल पे आप विजिट कीजिए। जैसे फिजिक्स वगैरह के लिए मैं चैप्टर का नाम, वो चैनल का नाम तो नहीं ले सकता, बट जो मुझे बेस्ट लगता है वो फिजिक्स वाला, ठीक है, तो वहां से भी आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। अब आता है ब्रांच, कौन कौन सी ब्रांच में आपको एडमिशन मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ब्रांच मेंशन कर रखा है, बायोटेक्नोलॉजी, जिसे उन लोगों ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में बीटी से रिप्रेजेंट कर रखा है, इंजीनियरिंग फिजिक्स ईपी से रिप्रेजेंट कर रखा है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एमएई, जिसे आप मैकेनिकल एंड ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कहते हैं, पॉलीमर साइंस एंड केमिकल टेक्नोलॉजी, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दोबारा से प्रोनाउंस कर देता हूँ, पॉलीमर साइंस एंड
केमिकल टेक्नोलॉजी, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से दोबारा पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को और भी कोई कंफ्यूजन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में इसका आंसर दे दूंगा। इसके अलावा अभी देखिए, कुछ बच्चे कह रहे थे कि कोचिंग लेना नेसेसरी है या नहीं है, तो देखिये मैं इस वीडियो में भी आपको बोल रहा हूँ कोचिंग लेना कोई नेसेसरी नहीं है, आप घर पे बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हैं। YouTube पे सारी वीडियोस अवेलेबल है हर चैप्टर की, आप वहां जाइए वीडियोस देखिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए और लास्ट सेमेस्टर पर भी फोकस जरूर रखिएगा क्योंकि वहां से आपके परसेंटेज डाउन नहीं होने चाहिए। हाँ, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं दिल्ली के अलावा, देखिए जो दिल्ली के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 85% सीट रिजर्व होता है DTU में, जो बाकी 15% सीट है वो अदर स्टेट के लिए रिजर्व होता है। अब अदर स्टेट में अगर आप जनरल से हैं तो आई थिंक आपको प्रिपरेशन DTU की करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि वो एक सीट मुश्किल से निकालते हैं और निकालते भी नहीं है जनरल वालों के लिए, वो मेनली ST OBC के लिए ही निकालते हैं अगर आप अदर स्टेट से हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी DTU LEET 2019 के ऊपर। इसके अलावा हाँ, बच्चे पूछ रहे थे कि पर्टिकुलर कॉलेज लीट एंट्री करवाती है या नहीं करवाती है, तो देखिए पर्टिकुलर कॉलेज जो है वो लेटरल एंट्री नहीं करवाती है, जो स्टेट होता है उस स्टेट के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज होती है, वो यूनिवर्सिटीज जो है वह लेटरल एंट्री एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है और उन यूनिवर्सिटीज के अंडर कुछ कॉलेजेस आते हैं, उन्हीं कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलेगा पर्टिकुलर ब्रांच में। तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज है आपके स्टेट के अंदर जो लेटरल एंट्री एग्जाम्स करवाती है डिप्लोमा वालों के लिए, और उस यूनिवर्सिटी से कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो बिलोंग करते हैं और उनमें आपको एडमिशन मिल सकता है। तो थैंक यू, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।